मेरे साथ एक कांड हो चुका है, मतलब मैं जो सीपीयू था वो ख़राब हो चुका है। अब एक दोस्त के साथ भी पूछते आया था कि उसके साथ मतलब कोई प्रॉब्लम हो रहा है कैसा, तो मेरा सीपीयू मतलब कुछ ख़राब हो गया है। तो क्या ख़राब हुआ है मैं आपको घर में जाकर दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है मेरे सीपीयू पे। चलिए घर में देखता हूँ, बता रहा हूँ। देखिए जो मेरा पीसी है, बाकी मैंने सीपीयू को अपने यहाँ पे नीचे निकाल के रखा है मैंने। बाकी जैसे कि मैं इसको अभी ऑन कर रहा हूँ और बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने इसको ऑन करता हूँ तो बाकी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये देखिए यहाँ जिसकी इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू, ये जो ब्लू लाइट है ना, मतलब देखिए आप जलता रहता है, बस कुछ काम वाम होता नहीं। प्रॉब्लम हो रहा है यार, मतलब अब इसको ले जाना का है रिपेयरिंग करने के लिए, देखते होगा या नहीं। मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, सारे काम पीछे में होते थे, अभी पता नहीं यार मतलब क्या हो रहा है। 2 दिन पहले साउंड कार्ड का कुछ हो गया था जो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन कुछ हो गया साउंड कार्ड का, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, वो भी थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करा, इतना अच्छा तरीके से करा नहीं। बाकी अभी ये सीपीयू ख़राब हो गया यार, मतलब किस्मत ने गांड मार के रखी है, अभी सारा सारा काम ठप पड़ गया है। क्या होगा रे भैया, क्या होगा, अपना किस्मत बहुत बुरी तरह से गिरे से ले रही है। बाकी आप ब्लॉग में बन रही है, देखते कुछ होता है नहीं यार। कहा होगा रे भाई, अगर ये बना नहीं तो बात हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो जिस इंसान ने बोला था कि जो मतलब वो तब जो बनाने वाला है वो कंप्यूटर, जिसकी दुकान है शॉप है, तो उसने बोला था कि वो बना देगा वो 6 बजे आने को बोला था, लेकिन अभी 6 बज चुके हैं, अभी अंधेरा भी हो चुका है, 6 बजने वाले 5:30 बजे अभी। तो अभी भाई का बाइक ही नहीं है घर में, ऐसी फोटी किस्मत है। और कल मेरा कॉलेज है, बाकी अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये लोग कंप्यूटर को वहाँ पे जाके वो सीपीयू को देंगे भी नहीं, क्योंकि सब चीज़ें मेरी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। तो आज का काम तो ठप हो चुका है। तो अब ये लोग, अब वो अगर टाइम से आया तभी हम मैं दे पाऊँगा, लेकिन अभी वो आए नहीं यार, आया ही नहीं। तो बाकी आज का ब्लॉग यही दिखाने के लिए था कि सीपीयू ख़राब हो चुका है, वही काम सारा ठप पड़ चुका है, सारा के सारा काम ठप पड़ चुका है, क्या करें यार। मतलब किस्मत जब लेती है बहुत बुरी तरह से लेती है यार, सीपीयू ख़राब, उसके बाद पहले साउंड कार्ड ख़राब, अभी सीपीयू बनाने के जिस इंसान ने बुलाया था, जिस मकैनिक ने बुलाया था, वो शायद वहीं पे है, लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं है जहाँ से आप उसको उठा के ले जाए, क्योंकि पास में भी नहीं है, बहुत दूर है, साइकिल वाइकिल से भी नहीं ले सकते, बाइक के लेना पड़ेगा। अभी वो भी घर में नहीं है, भाई भी घर में नहीं है। कहा होगा अरे गणपति बाबा, कहा होगा, कहा होगा हमारा, कहा होगा गणपति बाबा भी सोच रहे होंगे क्या फोटी किस्मत है इसकी। सो गाइस देखते, शायद अगर भाई आए तो लेके दे दूंगा, मैं कितना खर्चा वर्चा होगा। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, वो बोल रहा था कि मदरबोर्ड चेंज शायद करना पड़ेगा, मदरबोर्ड अगर चेंज करना पड़े तो 5,000 से 6,000 का लेठा लग जाएगा, घोटाला हो जाएगा यार, फूटी किस्मत। आप लोग ब्लॉग में बने रहे, क्या बता शायद प्रॉब्लम आज ही फिक्स हो जाए। किस्मत बड़ी कुत्ते चीज़ है, कभी पलट सकती है और कुछ भी हो सकता है यार, क्या पता शायद आज ही मेरा रिपेयर होकर आ जाए, फिर अभी तक तो भेजा भी नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ब्लॉग में बन रही है सेट्यू ना, पीसी जो है मतलब सीपीयू जो है, मैंने वो देख के ले पहुंचा के आ गया, तो मेरा भाई ने कहीं से बाइक का जुगाड़, घर का बाइक तो नहीं लेकिन कहीं से जुगाड़ करके उसने बाइक ले आया, और हम लोगों ने सीपीयू को जाके अभी कर दिया है। सो मैं उसका वीडियो बना नहीं पाया, उसने जल्दी जल्दी में फटाक से आ गया और वो लेके चला गया, मतलब हम दोनों ही गए थे। तो सीपीयू का हो चुका है, अभी देखते हैं। उन्होंने बोला है कि कुछ चेंज वगैरह तो नहीं करना है, तो मैंने बोला कुछ भी चेंज नहीं करना, बस स्टार्ट नहीं हो रहा, वो फैन वैन नहीं चल रहा उसका सीपीयू का, तो वो कर दो स्टार्ट अगर हो सके तो। उन्होंने बोला कि मेरे पास नया फैन लगा देंगे, मैं प्राइस वाइस तो पूछा नहीं कितना पड़ेगा, आगे फैन का प्राइस पता नहीं कितना होता है। बाकी आज कल लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, देखते हैं कब तक वो अच्छा हो के आएगा। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग कल मिलते हैं एक और नए अच्छे ब्लॉग के साथ। बाकी कल अपना कॉलेज है, कल कॉलेज जाना है बड़े दिन के बाद, मतलब हफ्ते में बस 3 दिन खुलता है, 2 दिन फर्स्ट हाफ होता है और 1 दिन सेकेंड हाफ होता है,
सो हम बस 3 दिन में 2 दिन जाते हैं फर्स्ट हाफ को, तो कल कॉलेज से मिलते हैं, व्लॉग में बन रही है। तो उन्होंने बोला कि वो एक दिन में कर देंगे, वो देखते हैं एक दिन में कर पाते हैं नहीं हम लोग का, वो अगर कर पाते हैं तो कल ही लेके आऊँगा मैं, बाकी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज के व्लॉग पे ख़त्म करते हैं, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग डेली व्लॉग्स डालते रहते हैं बढ़िया तरीके से। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।